अब हंटर की मौत के बाद बेकी पूरी तरह से अकेली हो जाती है। अब बेकी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो शांत होकर एक जगह बैठ जाती है। अब धीरे धीरे बेकी को नींद आ जाती है, तभी वहाँ पर एक गिद्ध आ जाता है जो कि बेकी के जांघ पर बने घाव से मांस निकालकर खाने लगता है। तभी बेकी मौका देखकर उस गिद्ध पर हमला कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है, और कई दिन भूखे होने के कारण वह उसका ही मीट खा जाती है। अब बेकी को खाना मिलने की वजह से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, इसीलिए वह रस्सी की मदद से जैसे तैसे हंटर की बॉडी के पास जाती है और वहां पहुंचकर अपने फोन से अपने फादर को मैसेज करके हंटर की जूते में अपना फोन रखकर हंटर की बॉडी से सेट कर देती है और फिर हंटर की बॉडी को नीचे गिरा देती है। दरअसल बेकी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि पिछली बार सिर्फ जूते में फोन रखकर फेंकने की वजह से इनका फोन टूट जाता है और इनका मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता, जिस वजह से बेकी इस बार दिमाग लगाती है और अपने फोन को जूते में रखकर हंटर की बॉडी से अटैच कर देती है, जिस वजह से इस बार बेकी का मैसेज आसानी से उसके फादर तक पहुंच जाता है और वो इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब बेकी के फादर टावर तक पहुंचते हैं, उससे पहले ही पुलिस यहां पर आ जाती है और बेकी को सही सलामत बचा लेती है। बेकी के फादर बेकी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो बेकी को देखते ही उसे सीने से लगा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं और फिर ये मूवी भी इसी के साथ एंड हो जाती है। दरअसल ये मूवी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम फेल तब नहीं होते हैं जब हार जाते हैं, हम फेल तब होते हैं जब हम हार मान लेते हैं। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बस हमें अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपने भी इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, सारे लिंक मैंने दे दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब।